हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। और स्टार्ट करते हैं ये सेशन, बहुत ही जबरदस्त है। मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लाया हूँ जो आप सभी गेट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी गेट एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहे हैं गेट 2024 की, उन सबको ये बात तो मालूम है कि सर गेट का एग्जाम फेब में होगा, लेकिन कौन सी डेट को होगा, अगर ये पता चल जाए तो हम अपनी तैयारी को उसी हिसाब से उसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि गेट 2024 कौन सी डेट को कंडक्ट होने वाला है और कितने सेशन में कंडक्ट होगा और क्या क्या डेट्स रहने वाली हैं गेट की और जेएम की। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक नोटिस जो कि आईएससी बेंगलोर ने रिलीज करा है, जो कि इस बार का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंस्टीट्यूट है। और अगर आप देखेंगे तो 18 जुलाई को ये नोटिस जो है वो रिलीज करा गया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसमें बोला गया है कि सब्जेक्ट है गेट और जेएम 2024, जिसकी डेट हम लोगों ने अनाउंस करी है। तो उन लोगों ने बताया है कि गेट और जेएम की जो डेट है सर वो अनाउंस हो रही है। तो अभी आप देख लो कि गेट जो है वो कौन कौन कंडक्ट करा रहा है। गेट ज्वाइंटली कंडक्ट हो रहा है सर आईएसटी बेंगलोर और 7 IITs मिलाकर, ये हमको मालूम है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इनके साथ है, ठीक है, ये हमको सब चीज पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेट जो है वो CBT है, उन्होंने बता भी दिया है कि सर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो गेट की डेट्स जो है वो रिलीज हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि सर जो डेट है वो फाइनलाइज कर दी गई है। सर फाइनलाइज डेट आ गई है 3, 4, 11 and 10, ये फाइनलाइज डेट हो गई है सर 3 फेब, 4 फेब, 10 फेब और 11 फेब ऑफ 2024। तो भाई तैयार हो जाओ अब बिल्कुल, क्योंकि अब जो है चीजें आपके सामने आ गई हैं, यानी कि 4 डेट फाइनलाइज हो गई है, इन्हीं में से एक में आपका पेपर होगा। यानी कि टोटल आप देखेंगे तो 4 डेट है गेट के लिए, 3, 4, 10 और 11। अब आपको अपनी प्रिपरेशन करने में और मजा आएगा, क्योंकि अब चीजें जो है वो आपकी साइड जाने लगी है कि भाई 4 डेट आ गए, अब मैं फिक्स्ड हूं कि सर 10 तारीख तक 11 तारीख तक मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है वो शेड्यूल प्लान कर सकता हूं, ठीक है। तो अब पता चल गई, क्योंकि टेस्ट सीरीज प्लान करने में, रिविजन प्लान करने में अगर डेट पता चल जाए तो हम लोगों को यह पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं। तो फरवरी में तो गेट होना था ये तो तय था, लेकिन कौन सी डेट को होना था ये आज क्लियर हो चुका है, तो आप इसको देख लो। और उन्होंने ये भी बताया अगर आप जैम दे रहे हैं, जैम की भी डेट बता रखी है वो कि 11th of Feb को जैम होगा, ठीक है ये। और यहां पर एक चीज और आप देखेंगे कि पूरे के पूरे जो 4 डेट में पेपर हो रहे हैं वो 8 सेशंस में जो है कंडक्ट करा रही है। तो जो हमारा ISC है और उसके साथ जो 7 IIT है, पूरी गेट की जो बॉडी है वो 8 सेशन में ये पूरा का पूरा एग्जाम कराएगी और 4 डेट यहाँ फाइनल है। तो आप इन डेट्स को लॉक कर लो अपने सामने, जो है वो एक कैलेंडर बना लो, उसमें डेट मार्क कर लो कि भाई ये 4 डेट है मेरे और इन 4 डेट में मेरा एग्जाम हो जाएगा। तो अब मजा आएगा पढ़ने में और अब आपको एकदम सीरियस हो जाना है यहाँ से, क्योंकि अब तक जितनी तैयारी करी उसको अब एक जो है एक आप ये कहेंगे एक पाथ मिल जाएगा कि हाँ सर मेरे को क्लियर है कि यहां तक मैं जाऊंगा, अब यहां से मैं दम लगाना चालू करूंगा। तो ये चीजें ना आपको देखते हुए चलनी है। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक चीज और पता चलती है हमको कि ISC ने ये जो नोटिस है वो बहुत सारे कॉलेजेस को, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को भेजा हुआ है कि भाई और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप अपना एकेडमिक कैलेंडर इसी के अकॉर्डिंग सेट करें, ऐसा ना हो कि जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हो या गेट का पेपर देने जा रहे हो उन लोगों के साथ उन लोगों का कोई पेपर आप रख दें। तो इन्होंने ये सब चीज़ें ये इसमें क्लियर कर रखी हैं इसमें, तो ये चीज़ें हैं इसलिए नोटिस आया है और इन्होंने डेट क्लियर कर दी है। तो मुझे लगता है अब इससे बड़ी अपडेट कोई नहीं हो सकती। अब तो जब अपडेट आएगी तो गेट के एडमिट कार्ड की ही अपडेट आएगी कि कब एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो मैंने आपको दे दी है कि भाई ये गेट की डेट्स जो है वो रिलीज हो चुकी है। तो अभी आप बस ये करो, अब अपनी प्रिपरेशन को प्लान करो कि किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं उसको, और थोड़ा सा पेस अब आप देने का अब टाइम आ चुका है, आराम से आप पेस दीजिए अपनी प्रिपरेशन को, अच्छे से पढ़िए और साथ साथ आप जो है अपनी प्रिपरेशन को डे वाइज भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने ये चीजें आ चुकी हैं कि सर जो गेट की हमारी फाइनलाइज डेट है सर वो अगर आप देखोगे तो ये 3, 4, 10, 11, 2024 सर ये हमको मिल रही है, ठीक है। तो आप देख लो गेट 2024 की डेट आ चुकी है, 52 टेस्ट पेपर है, 30 फुल पेपर है, 22 सेक्शनल पेपर है और 8 सेशन में ये लोग करा रहे हैं, ठीक है ये। तो ये अपडेट मैंने आपको दी, अब आगे आपको कैसे प्लान करना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि भाई जितना भी अब तक आपने प्रिपरेशन करा अब आपके पास नंबर ऑफ डेज कैलकुलेटेड हैं, तो आप कैलकुलेट करके उसको डिवाइड करिए अपने अकॉर्डिंग,
टाइम दीजिए रिवीजन का, टाइम दीजिए टेस्ट सीरीज का, टाइम दीजिए प्रैक्टिस सेशंस का, प्लस आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। तो अभी आप देखेंगे तो डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, बस अब आपको यहां से तैयारी करनी है। तो ऐसी और भी अपडेट मैं आपके सामने लाता रहूंगा, तब तक के लिए गुड लक एंड बाय बाय।